लास्ट वीडियो में मैंने जब इस पुलाव बर का रिव्यू किया था, आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला था कि यार पुलाव बर तो अच्छा है, बट हमें लगा के दिखा। बहुत ही सिंपल है, ट्रस्ट मी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी अगर बहुत ज़्यादा इको आ रहा है, बिकॉज इस रूम में कोई साउंड एब्जॉर्बिंग इक्विपमेंट नहीं है। आई एम सॉरी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक जगह ढूंढना है। जैसे मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लगाने वाला हूँ, लगता है ये ज़्यादा ही बड़ा जगह हो जाएगा, बट अगर यहाँ पे मैं नहीं लगा पाया तो मैं इस डोर फ्रेम पे लगाने वाला हूँ। अभी पहले आपको इस पुलाव बार को जहाँ पे आप लगाने वाले हैं वहाँ पे लगाना है और देखना है कि आपको इसको बड़ा करना है या फिर छोटा करना है। ओके, सो अब आता है इस पुलाव बार का मेन पार्ट कि आप इसको बड़ा या फिर छोटा कैसे करेंगे। पुलाव बार के आपके जो ये स्टील पार्ट है, आपको इसको लेफ्ट हैंड से पकड़ना है और ये जो ब्लैक पार्ट है इसको आपको राइट हैंड से पकड़ना है। अब आप अगर इसको ऐसे घुमाएंगे देन पुलअप बार लंबा होगा, और अगर आप इसको ऑपोजिट घुराएंगे तो पुलअप बार छोटा होगा। अब मुझे वहां पर फिक्स करने के लिए इसको लंबा करना है, तो लेफ्ट हैंड से इस सिल्वर एल्यूमिनियम पार्ट को पकड़ो, राइट हैंड से इसको पकड़ो एंड इसको ऐसे घुमाते जाओ और लंबा करते जाओ। तो बस लंबा करते जाओ और देखते जाओ कितना आपका जगह बचा हुआ है। ओके, सो अनफॉर्चुनेटली उतनी बड़ी जगह पे सेटअप नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इस डोर फ्रेम पे सेटअप करने वाले हैं। तो इस डोर फ्रेम पे बस थोड़ा सा ही और बचा है, बस थोड़ा सा और टाइट करना। आप देख पा रहे होंगे कि मैं इसको बहुत ही लो सेटअप कर रहा हूँ, मेरा जो हाइट है उसके बस अराउंड सेटअप कर रहा हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ मैं आपको थोड़े ही देर में बताने वाला हूँ, बट अभी थोड़ा सा टाइट करते जाओ और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये फॉर्मली फिक्स्ड हो जाएगा। अभी इस पर आप झूल नहीं सकते, बट ये थोड़ा सा फॉर्मली फिक्स्ड हो जाएगा। तब जब ये पुलअप बार फॉर्मली फिक्स्ड हो जाए, देन आपको अगर पुलअप बार को टेढ़ा लगाया है तो सीधा करना है। पुलअप बार को बेसिकली ठीक से लगाना है बिफोर टाइटनिंग इट। ओके, सो अभी एक ऐसा पॉइंट आ गया है कि ये फॉर्मली फिक्स्ड हो गया है, बट अभी इस पे आप झूलेंगे तो ये गिर जाएगा, ठीक है। तो अब आपको बेसिकली क्या करना है, फिर से मैंने जो आपको बोला था, लेफ्ट हैंड से इसको पकड़ना है एंड राइट हैंड से इसको इसके तरफ टाइट करते जाना है, एंड तब तक टाइट करना है जब तक ये एक इंच भी और ना घूमे। ट्रस्ट मी गाइस, इसमें आपके फोरआर्म्स बहुत ज़्यादा बर्न होने वाले हैं, बट ट्रस्ट मी ये आपके फायदे के लिए ही है। तो इसको लेफ्ट हैंड से पकड़ते हैं एंड राइट हैंड से इसको पूरा टाइट करते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये पुलअप बार मैंने मेरे हाइट के जस्ट ऊपर क्यों लगाया है और यहाँ पे क्यों नहीं लगाया है। वेट फॉर इट। तो अभी ये शायद बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, और जितना भी कोशिश करूँ मैं नहीं घूम रहा। हैंग करके टेस्ट करते हैं। Pretty good. Okay, so अभी बात आती है कि मैंने आपको पुल अप बार को आपके हाइट के जस्ट ऊपर लगाने के लिए क्यों बोला। ये मैंने इसीलिए बोला ताकि आप पुल अप के अलावा भी बहुत सारे और एक्सरसाइजेस कर पाओ, जैसे कि बॉडी वेट रोज कर सकते हो। आप एक चेयर को आपके पाँव के नीचे रख के बॉडी वेट रोज कर सकते हो, बट समझ लो कि अगर पुलअप बार को बहुत हाई लगा दिया तो आप बॉडी वेट रोज नहीं कर पाओगे। आप बॉडी वेट बाइसेप कर्ल्स कर सकते हो फिर से चेयर को नीचे रख के, बिकॉज अगर आप घर पे एक पुलअप बार लगा रहे हो आप ऐसे ही आपके लेग्स को स्ट्रेट करके पुलअप्स नहीं कर पाओगे। आपको नीज को बेंड करके ही पुलअप्स करने हैं। तो अगर नीज को बेंड करके ही पुलअप्स करने हैं देन पुलअप बार को जस्ट आपके हाइट के ऊपर लगाओगे, देन यू विल ऑल्सो बी एबल टू डू वे मोर डिफरेंट एक्सरसाइजेस एंड कैलिस्थेनिक शुरू करने के लिए देन आपको बस एक पुलअप बार की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं चाहिए आपको। तो इस पुलअप बार का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा अगर आप खरीदना चाहते हैं। इसके ऊपर मैंने एक पूरा रिव्यू भी किया हुआ है, और अगर पसंद आए खरीदना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर रिव्यू देख के वहाँ से भी खरीद सकते हो। Anyway guys, this channel is all about calisthenics and helping you build an amazing physique with calisthenics. आपने जो मेरा फिजिक देखा है, this is 80-90% made with calisthenics. So if you are interested in calisthenics, if you want to build a good body with just calisthenics, make sure to subscribe to this channel. Next week मिलते हैं एक और calisthenics video के साथ।
पाई।